हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज का यानी कि है जो है भूगोल है और आज का आस्किंग है सचिन का, तो स्टार्ट करो। जीवन एवं मृत्यु का भूगोल निम्नलिखित में किस ब्रिटिश भूगोल वेता की कृति है? सर डडले स्टाम। तो परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? हार्टसन। एड कुंडे निम्नलिखित में किस विद्वान की रचना है? कार्ल रिटर, ब्लॉस, रिच थोपेन, रेटजेल। कार्ल रिटर। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अरस्तु, इरोटोस्थेनीज, प्लेटो, अनैक्सिमेंडर। अरस्तु। ठीक है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। ठीक है। सदाबहार वन वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन दे दो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस। ब्राजील। ठीक है। सदाबहार वन पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में। ठीक है। निम्नलिखित में कहाँ विस्तृत आयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है? वही विश्व है। ऑप्शन। भूमध्य सागरीय वन, टेगा वन, मैंग्रोव वन, विश्वतीय वर्षा वन। वही विश्वतीय वर्षा वन। ठीक है। विश्वत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताएं को क्या कहा जाता है? सेलवास। लियाना। विश्वत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सेलवास। विश्वत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका। ठीक है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं? कौन धारी वनों में, विषुवतीय वनों में, सवाना वनस्थली में, मानसूनी वनों में? विषुवतीय वनों में। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है? ऑप्शन। प्रेयरी, टुंड्रा, पतझड़ वन, टैगा। पतझड़ वन। ठीक है। प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन में, मरुस्थलों और सवाना मैदानों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, उष्णकटिबंधीय आंध्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आंध्र वनों। ठीक है। सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पतझड़ वन। वो नहीं ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया, चिली, भारत, साइबेरिया। साइबेरिया। ठीक है। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? टेगा वनों में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन, टुंड्रा वन, टेगा वन। इसका आंसर भूमध्य सागरीय वन। उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? थैलोफाइटा। जीरो फाइटा। मलेरिया की दवा कुनेन निम्नलिखित में किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। ठीक है। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? ऑप्शन। सवाना वन, स्टेपी वन, मानसूनी वन, इनमें से सभी को? सवाना वन जो है। सवाना वन। ठीक है। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन।
उसने कटिबंधीय वर्षा ठीक है। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? विश्वत वन में ठीक है, विश्वतीय वन में हो गया। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।